Hi guys, welcome back to the another video of Superstructure. I am your host Sharik and you are watching Marine Vlogs. So guys, today my topic is my 5 top reason, in my opinion at least, why maritime profession is awesome. तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे हिसाब से ऐसे क्या 5 पॉइंट है जो मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया. तो पहला पॉइंट है मेरा इस प्रोफेशन को चूज करने का, वो है हाई सैलरी. ये प्रोफेशन बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, चाइना में, फिलीपींस में और सभी जगह पॉपुलर्स है, लेकिन इन 3 कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है. तो अगर आप एक शोर में एंट्री लेवल पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू आर गेटिंग अराउंड 10,000 to 15,000 और 25,000. बट इफ़ यू विल ज्वाइन ऑन बोर्ड सो एटलीस्ट एंट्री लेवल आपकी इससे डबल या ट्रिपल हो जाएगी. और इसके क्या फ़ायदे हैं, प्लस आपका टैक्स जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, आप टैक्स पे एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे और आपकी सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंक्रीज होती रहेगी. आप जैसे जैसे प्रमोशन आपको मिलता रहेगा आपकी सैलरीज इंक्रीज होती रहेंगी. तो ये था प्लस पॉइंट पहला. और स्पेशली मैं बताना चाहूँगा ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं, जैसा कि आप मेरे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि इस टाइप के टैंकर्स में जिस पे मैं सेल कर रहा हूँ उस पे कितनी सैलरीज होती हैं. और दिस आल्सो डिपेंड अपॉन द कंपनीज आल्सो, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता है. इफ़ यू आर वर्किंग विद बिग कंपनीज सो दे हैव अ फ्यू डिफरेंस लाइक 10,000, 15,000 or 20,000 मैक्सिमम, इतने का ही डिफरेंस आता है आपकी सैलरी में. तो सेकेंड पॉइंट है मेरे ज्वाइन करने का कि हेयर इज़ अ वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंडिविजुअल. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो काम है वो आपके ऑफिस वाले ही आपको बता देते हैं, जैसा कि STCW में आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के हिसाब से आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पहले ही बता दी जाती है. ड्यूरिंग द साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एवरीथिंग इज रिटन कि आपको कितना काम करना है, क्या काम करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इस जॉब में कि मुझे पता है कि मुझे कितनी आवर्स की ड्यूटी करनी है, मुझे पता है कि मेरा क्या काम है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वही मुझे परफॉर्म करना है ऑन बोर्ड. थर्ड क्या है इसमें मेरा जो है वो है जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि जॉब सिक्योरिटी इसलिए कहूँगा कि आप इफ़ यू विल गेट अ लाइसेंस, अगर आप जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया और ऑफिसर्स में एंट्री कर लिए, स्पेशली लाइक कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, तो इन सारे रैंक्स की अभी भी काफ़ी डिमांड है, स्पेशली इन इंडिया. इंडिया में काफ़ी डिमांड्स हैं इनकी, लोग बहुत ऑफिस में चाहते हैं कि कैप्टन, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर आए. अगर आपकी कंपनी आप मान लीजिए बैंक्रप्ट हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई है, इफ़ दे हैव नॉट अ वेसल, तो आप ईजिली स्विच कर सकते हैं अनदर कंपनी में एंड दे आर वेलकम यू. आप ईजिली जा सकते हैं. और इन इंडिया स्पेशली मैं बताना चाहूँगी का बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत ही कंपनियाँ हैं. करीबन अगर आप गिनना चाहेंगे तो काफ़ी मोटी एक बुक आती है मैरिनर हैंडबुक, अराउंड 300 or 400 पेजेस की. तो ऑलमोस्ट अगर एक पेज में 3 or 5 कंपनीज है तो यू कैन इमेजिन इन 300 पेजेस यू कैन डिवाइड बाई 5, सो इट विल दैट मच कंपनी इन इंडिया. सेकेंड, फोर्थ पॉइंट मेरा जो आ जाएगा कि भाई आप ट्रैवल कर सकते हैं वर्ल्ड में विद सैलरी के साथ. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप विदाउट एक्सपेंस किए हुए आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं
घूम सकते हैं वहाँ, इन्जॉय कर सकते हैं, और आपकी सैलरी भी इसी में स्टार्ट रहेगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें भी ये है कि शिप्स के ऊपर भी ऑल्सो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ द शिप है। अगर आपका कंटेनर है तो बहुत जल्दी कंटेनर पोर्ट्स में जाते हैं, कार्गो डिस्चार्ज करते हैं और चले जाते हैं। और ऑयल टैंकर्स भी ऐसे ही हैं, ऑयल टैंकर्स पे भी श्योरली अलाउ नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर वो टर्मिनल पे लगते हैं और टर्मिनल फार अवे फ्रॉम द सिटीज़ बने होते हैं, और श्योरली जिस पे ज़्यादातर मिल जाती हैं तो वो होते हैं बल्क कैरियर होते हैं, कार्गो शिप्स होते हैं। इन पे बहुत अच्छी श्योरलीज होती हैं, ये अक्सर पोर्ट में 10 डेज, 15 डेज, 1 वीक तो होते ही हैं, और यहाँ श्योरलीव्स भी अलाउ होती है। तो ये था मेरा चौथा रीजन, एंड मेरा फाइव रीजन तो था लॉन्ग वेकेशंस। आप अगर शोर में काम करेंगे तो आपको वीकेंड में ऑफ मिलेगा, सैटरडे में भी संडे ऑफ रहेगा, और कुछ जगह अगर आप छुट्टी लेने भी जाएंगे तो यू विल गेट ओनली 10 डेज, 15 डेज की ऑफ होगी। बट हियर आपको, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश किया 4, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स का, उसके बाद आप वीकेशन में जा सकते हैं। 3 और 4 मंथ्स की वीकेशन आपकी होगी, तो 3 एंड 4 मंथ इज इनफ टाइम, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये मेरे थे 5 रीज़न मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के। आई होप आप इससे एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, बट दिस इज माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता। तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो इसी तरह देखते रहिए आप मरीन व्लॉग्स। मैं हूँ आपका दोस्त शारिक, बाय बाय, टेक केयर।